पालक ऐसी सब्जी है पूरे साल भर मार्केट में मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पालक बहुत पसंद होता है, और पसंद होना भी चाहिए क्योंकि पालक के अंदर हमें अच्छा खासा कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, साथ में विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है, विटामिन के मिलता है और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उन लोगों को लूज मोशन हो जाता है, कुछ लोगों का बॉडी ठंडा हो जाता है। क्या ये पालक जो है ये सिर्फ पित्त वालों को खाना चाहिए, या ये पालक कफ वाले और वात वाले जो होते हैं इनको भी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो तासीर होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है या गर्म होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डीटी जगदीश, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ। मैं कई बार अपने क्लाइंट को पालक खाने की सलाह देता हूँ। पालक वेट लॉस में भी बेनिफिट देता है और वेट गेन में भी बेनिफिट देता है। अगर हम पालक की फायदों की अगर बात करें तो पालक हमारा जो खून होता है इस खून को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, खून को फिल्टर कर सकता है, हमारे जो बोन हेल्थ होता है इसको इम्प्रूव कर सकता है। पालक बेसिकली हमारे जो बोन होते हैं इसको डेवलप करने में मदद करता है, इनको ग्रो करने में मदद करता है, इनको स्ट्रांग करने में या स्ट्रांग रखने में मदद करता है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को डेफिनेटली पालक खिला सकते हैं, क्योंकि पालक खाने से खून तो बढ़ेगा लेकिन साथ में बोन भी स्ट्रांग होंगे और बोन भी डेवलप होंगे, बोन भी ग्रोथ करेंगे। पालक खाने से हमारा जो प्रतिकार शक्ति है, प्रणाली है, ये मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, बूस्ट होती है, और इसके लिए पालक वेट गेन के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पालक वेट लॉस में भी यूज होता है। पालक पचने में थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब उसका जो डाइजेशन है लो होता है और इसका जो कैलोरी ये भी लो है, तो इस कारण वेट लॉस में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ओवरवेटेड हो और साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आप पालक खाओगे तो आपका मोशन ठीक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन हट जाएगा और साथ में आपको वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका डाइजेशन बहुत पुअर है, आपको इनडाइजेशन होता है, तो आप पालक से बचना है, क्योंकि पालक आपका मोशन प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। पालक खाने से मोशन या डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जिनका डाइजेशन बहुत वीक है वो लोग पालक से बचें या बहुत कम से कम खाएं। तो वैसे देखा जाए तो पालक आप पूरे साल भर खा सकते हो, लेकिन अगर आप स्टमक इन्फेक्शन से बचना चाहते हो तो हो सके तो बारिश के मौसम में आपको पालक अवॉइड करना है, नहीं खाना है। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो उसे आपको अच्छे से वॉश करना है, वेल कुक करना है, और उसके बाद आपको इसको कंज्यूम करना है। रही बात विंटर में, मतलब सर्दियों में आप लगभग 50-60% इसको खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, और गर्मी में आप इसका मजा ले सकते हो, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी ठंडी तासीर की वजह से अगर आप गर्मी में इसे कंज्यूम करते हैं तो ये आपके बॉडी को ठंडा रखने में मदद कर सकती है। किसी भी चीज़ का जो तासीर होता है ये हमारे शरीर की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर आपकी शरीर की प्रकृति अगर वात वाली है, वात में मोस्टली क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर होते हैं ना ये फीके नजर आते हैं और शरीर हमेशा ठंडा हो जाता है और सुन्न हो जाता है। अगर ऐसे आपकी वात प्रकृति है तो हो सके तो आप पालक को अवॉइड करें, ना खाएं। अगर खाना भी चाहते हो तो 3-4 महीने में एक बार खा सकते हैं, अच्छे से वॉश करके, अच्छे से कुक करके खा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी कफ वाली है, कफ में मोस्टली क्या होता है, जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, अगर ऐसी बॉडी है तो हो सके तो आप 50-60% आप इसका कंज्यूम कर सकते हो, पालक ले सकते हो, और हो सके तो इसको आपको गर्मी में लेना है, विंटर में और बारिश में थोड़ा अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पित्त दोष वाली है तो आप इसे पेट भर के खा सकते हैं। पित्त दोष वालों को क्या होता है, शरीर जो होता है ना हमेशा गर्म होता है और बहुत पसीना आता है और बहुत जल्दी थक जाता है, इनका जो मोशन होता है हमेशा पतला इनको मोशन आता है, तो अगर ये पालक खाते हो तो इनका मोशन ठीक हो सकता है और इनका शरीर को ये ठंडा रखने में मदद कर सकती है, इसलिए ये लोग पेट भर के खा सकते हैं। पेट भर के खाने का मतलब ये नहीं कि डेली सुबह शाम आप पालक पालक ही खाएं, पालक ज़्यादा खाने के भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आप हफ्ते में 2 बार आप पालक खा सकते हो या मैक्सिमम 3 बार आप पालक खा सकते हो, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, और आप गर्मियों में इसे कंज्यूम कर सकते हो, ठंडियों में भी इसे खा सकते हो और बारिश में भी इसे खा सकते हो। बस ओवरऑल यही है कि आपको आपका शरीर को नोटिस करना है, अपने दोष को जानना है, अपने शरीर की प्रकृति जानना है और उसके हिसाब से आपको पालक खाना है। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइज, बाय बाय।